नमस्कार, आप सभी को नर्मदे हर। और सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आपके जीवन में अनेकों खुशियां लेकर आए, ऐसी हमारी कामना है। और जैसा कि आज से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हो गई है, आज हम अमरकंटक के नर्मदा मंदिर में मौजूद हैं। और यहां पर हम मंदिर के पुजारीगणों से जानेंगे नर्मदा मंदिर और अमरकंटक में इस पर्व का क्या महत्व है और किस प्रकार यहाँ भीड़भाड़ रहती है। नर्मदे हर, आज जो है नवरात्रि का भी उत्सव, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा भी है और नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहा है, और इसके साथ ही हमारे हिंदू वर्ष का भी प्रारंभ हो रहा है। आप सभी जो है देशवासियों को मां नर्मदा की ओर से हार्दिक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत, और मेरी ओर से मां नर्मदा की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुड़ी पूर्णिमा, छगलांडे प्रचंडाचार्य चंडिका अमरकंटक की शारदीय वासंतिक नवरात्रि है। वासंतिक नवरात्रि के उत्सव में जो है यहाँ पर लोग अपनी समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज के दिन जो दीप प्रज्वलित करते हैं, व्रत भी रहते हैं और जवारा भी बोते हैं, और इस प्रकार से अपनी अपनी कामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर जो है अभी काफ़ी मात्रा में बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं मां नर्मदा के दर्शनार्थ से। मान रही नवरात्रि का पर्व विशेष पर्व होता है, सभी को मां नर्मदा जो दर्शनार्थ उपलब्ध है, सेवा उपलब्ध है, सभी लोग की मां नर्मदा मनोकामना को पूर्ण करें, यही प्रार्थना करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ नर्मदा मंदिर के प्रधान पुजारी जी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि अमरकंटक में हिंदू नववर्ष और चैत्र महानवरात्रि का बहुत महत्व है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं, और आज सुबह से ही काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है।